कैसा लगेगा आपको सुन करके कि पूरा का पूरा शहर एक बिल्डिंग के अंदर में ही है, जहां नॉर्मल लाइफ में लोगों को हर चीज के लिए अलग अलग जगह जाना पड़ता है, अपने घरों से बाहर निकलना पड़ता है। वहीं आपको पता चले कि एक ऐसा भी बिल्डिंग है जिसके अंदर में स्कूल, पुलिस स्टेशन, शॉपिंग सेंटर, यहां तक के नोटरी भी आप ही के बिल्डिंग में होती है। जी हां, बिल्कुल ऐसा भी एक शहर है जो कि अलास्का में है और बिल्डिंग का नाम है विटर। इस बिल्डिंग में अभी है कुल मिलाकर 275 फैमिलीज और यहां पे कुल मिलाकर के है 14th फ्लोर। वैसे यहां के रहने वाले लोगों के हिसाब से ये 15th फ्लोर है, क्योंकि इस बिल्डिंग में 13th फ्लोर है ही नहीं, क्योंकि यहां के लोगों का मानना है कि 13th नंबर जो है वो नेगेटिव वाइब देती है। इस शहर में जाने के लिए आपको एक टनल से गुजरना पड़ता है और ये टनल जो है वन वे है, यानी एक टाइम में एक ही साइड से कोई गाड़ी आ या जा सकती है, जो कि हर आधे घंटे में खुलती है। इस बिल्डिंग के अंदर में जब आप एंटर करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसी बिल्डिंग के अंदर में शॉपिंग सेंटर भी है, जहां पे कपड़े से लेकर के खाने पीने की सारी जरूरत की चीजें आपको मिल जाएंगी। इस बिल्डिंग के फ्लोर में घूमने का मतलब कुछ ऐसा है जैसे हम और आप अपने ही घर के बाहर किसी सड़क में घूम रहे हो। इस बिल्डिंग के अंदर में चलते चलते आपको पुलिस स्टेशन भी मिल जाएगा और पुलिस वाले भी घूमते हुए नजर आ सकते हैं नॉर्मल घर के कपड़ों में। यहाँ तक कि आप अगर लॉन्ड्री यूज करने जाते हो तो हो सकता है कि इसी शहर के मेयर भी आपके बाजू में खड़े होकर के अपने कपड़े धो रहे हो। यहाँ के लोगों के लिए सब कुछ नॉर्मल है, यहाँ के बच्चे बिल्कुल वैसे ही स्कूल जाते हैं जैसे कभी आप और हम गए थे। इसी बिल्डिंग के अंदर में एक स्कूल भी है जो कि एक सबवे से होता हुआ पास के बिल्डिंग में जाता है और वहाँ के टीचर जो है वो इसी बिल्डिंग में रहते हैं, यानी बच्चों की पढ़ाई में कोई भी डाउट हो तो वो इजिली पूछ सकते हैं। ये शहर की शुरुआत हुई थी 1969 में, यानी ये जब बिल्डिंग बनी थी 1969 का समय था और ये बिल्डिंग इतनी मजबूत है कि दुनिया की दूसरी सबसे खतरनाक अर्थक्वेक आने के बाद भी इस बिल्डिंग को कोई भी हानि नहीं पहुंची। इस बिल्डिंग में रहने वाले जो 13 से 17 लोग मरे भी उसका रीजन ये था कि वो इस बिल्डिंग के बाहर थे। तो आप समझ सकते हो ये शहर अपने आप में कितना अमेजिंग है। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ कि आपकी क्या सोच है।